नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित खान। वेस्टइंडीज श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टी20 मैच में डेब्यू करने वाले जेरेमी सोलोजानो को मैच के दौरान गंभीर चोट लगी है। जेरेमी सोलोजानो वेस्टइंडीज की ओर से डेब्यू कर रहे हैं। चोट इतनी भयंकर थी कि उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया, फिर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें अस्पताल पहुँचाया गया। 26 साल के सोलोजानो अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में शॉर्ट लेग में फील्डिंग करते दौरान उन्हें सर पर गेंद लगी। मैच के पहले सेशन के 24वें ओवर में रोस्टन चेज गेंदबाजी कर रहे थे। उनकी गेंद छोटी देखकर श्रीलंका के कप्तान करुणारत्ने ने पुल शॉट खेला और गेंद सीधे जाकर सोलोजानो के सिर पर लगी। फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर फील्डिंग कर रहे इस खिलाड़ी के हेलमेट की ग्रिल पर गेंद जाकर लगी, जिसके बाद वो गिर पड़े और उन्हें तुरंत मेडिकल स्टाफ के जरिए मैदान के बाहर ले जाया गया। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने जेरेमी को लेकर एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा है कि चोट का स्कैन किया गया है, रिपोर्ट में उनकी गंभीरता का पता लगेगा। आप सब उनके लिए जल्द स्वस्थ होने की कामना करें। ये घटना 24वें ओवर में हुई थी। शॉट मारने वाले बल्लेबाज श्रीलंका के कप्तान करुणारत्ने थे। जब सोलोजानो को चोट लगी तो वे तुरंत जाकर उनका हालचाल पूछते नजर आए और उन्होंने जल्द मेडिकल स्टाफ को बुलाने का इशारा भी किया। वेस्टइंडीज 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने श्रीलंका पहुंची है। पहला मुकाबला गोल में खेला जा रहा है। टी20 वर्ल्ड कप 2021 में दोनों टीमों का प्रदर्शन कुछ ज़्यादा खास नहीं रहा था। श्रीलंका की टीम की कप्तानी अनुभवी दिमुथ करुणारत्ने कर रहे हैं, वहीं क्रेग ब्रैथवेट वेस्टइंडीज का नेतृत्व कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ।